कटिहार में आज बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष मंजूर आलम के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने बीते दिनों हुए बारसोई की घटना पर कहा कि बारसोई के स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान जो पुलिस और पब्लिक के बीच जो घटना घटी वह काफ़ी दुखद है। बारसोई की घटना में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है और 1 जख्मी है जिसका इलाज चल रहा है। अधिवक्ताओं ने मृतक के परिजनों को सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही साथ कोषाध्यक्ष ने कहा, हम सभी अधिवक्ता न्यायिक जांच का गठन कर निष्पक्ष जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बारसोई की स्थिति अब सामान्य है, सभी चिन्हित जगहों पर दंडाधिकारी की तैनाती की गई है और स्थल जांच के दौरान बाउंड्री के पास से खोखे बरामद किए गए हैं। और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने कहा, कटिहार पुलिस के गोली से नहीं हुई सोनू और खुर्शीद की मौत, CCTV में देखा गया पुलिस और मृतक के बीच काफ़ी दूरी थी। इस मामले में 41 नामजद 1200 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज। इस मामले में दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। कटिहार जिला में जो निर्मम हत्या पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा की गई है, इसका मैं घोर निंदा करता हूं। ये सरकार की विफलता है। जो कोई भी व्यक्ति का अपना अधिकार होता है अपनी मांग रखने का, बिजली की जो समस्या है ये सिर्फ कटिहार की नहीं पूरे बिहार की है, और इस पर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे और उनके अधिकारों का दबाने का प्रयास सरकार और सरकार की जो नामुंदा हैं, जो उसके चेले चमटे चामुंडा हैं, जो पुलिस पदाधिकारी हैं जिन्होंने निर्मम हत्या उस व्यक्तियों को क्या है, वो बड़ा ही निंदा का विषय है, शर्मसार करने का विषय है और बिहार को अपमानित करने का यह विषय है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन व्यक्तियों की उनमें हत्या किया है उनको सरकार के द्वारा पूर्णतः मुआवजा देने का काम करना चाहिए, नहीं तो हम लोग जो बिहार की आवाम है उसका अपमान करने का विषय होगा। शब्दों